बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, कल ब्रॉडर व्यू के अंदर मैंने एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट में बात की थी जो कि हमारे रीजन के अंदर हो रही है, और वो ये कि नेटो को किसी न किसी तरह से हमारे रीजन के अंदर, साउथ एशिया के अंदर घुसाड़ने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका के अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं और अमेरिका के अंदर से उनके जो कांग्रेस का पैनल है उन्होंने रिकमेंड किया है, अपनी गवर्नमेंट को उन्होंने ये सजेशंस दी हैं कि इंडिया को नेटो प्लस का मेंबर बनाया जाए। अब नेटो प्लस, कल भी मैंने आपको बताया था कि एक अलायंस है जो कि नेटो से हटके, ये असल नेटो नहीं है क्योंकि इसके अंदर आर्टिकल 5 नहीं है। वो जो नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि किसी एक नेटो मुल्क के ऊपर हमला अगर होगा तो पूरा नेटो मिलकर रिस्पॉन्ड करेगा, इसके अंदर वो नहीं है। लेकिन ये यूँ समझे कि एक्सटेंशन है नेटो की एक तरह से ना। अब आर्टिकल 5 इसके अंदर डालने की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस है ना, क्योंकि वो जो यूरोप के अंदर अमेरिका के इत्तेहादी हैं वो दुनिया भर के फटों में तो नहीं पड़ेंगे, वो तो अपनी सिर्फ सिक्योरिटी की वजह से नेटो में आए हुए हैं ना। तो इसके अंदर इसराइल भी है, इसके अंदर जापान भी है, इसके अंदर अब कोरिया भी है और इंडिया को भी डालने की कोशिश की जा रही है। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या इंडिया इसके अंदर आएगा या नहीं आएगा, ये एक सोचने की बात है। अब चाइनीज़ जो एक्सपर्ट्स हैं इस हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है, उनका क्या नैरेटिव है, इस पर आज मैं बात करूंगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि अगर ऐसा हो जाता है बिलफर्ज़ तो सिर्फ चाइना को और रशिया को मत देखें, मैं कहूंगा पाकिस्तान को भी इस पर सोचना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो भी लोग डिफेंस की पॉलिसीज़ बनाते हैं उनको इस बात पर सोचना चाहिए कि बिलफर्ज़ अगर इंडिया नेटो प्लस में चला जाता है तो इससे यकीनी तौर पर इंडिया के वेस्टर्न मुल्कों के साथ जो स्ट्रेटेजिक टाइज हैं वो तो गहरे होंगे, डिफेंस टाइज भी उनके गहरे होंगे ही, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जब डिफेंस की टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी इंडिया के साथ, या फिर इंडिया के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग के माहदात होंगे डीप लेवल के, तो पाकिस्तान पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर वर्किंग लाजमी तौर पर होनी चाहिए और मेरे ख्याल से हो भी रही होगी पाकिस्तान के अंदर। लेकिन चाइनीज़ और रशियंस, मेन क्वेश्चन ये है ना कि वो इसको कैसे देखेंगे। अब चाइना का जो सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होता है ना, इंडिया अगर जाता है वहाँ पर बिलफर्ज, तो इससे इंडिया की अपनी जो आज़ादी है वो छिन जाएगी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उनकी जो है वो छिन जाएगी और ये परमानेंटली छोटू बन के रहेंगे अमेरिका और वेस्ट के। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है, चाइना का सरकारी अखबार है, इन्होंने आज ये आर्टिकल लगाया है कि यूएस वूज इंडिया टू ज्वाइन नेटो प्लस अहेड ऑफ मोदी बाइडेन मीटिंग हार्म्स न्यू दिल्ली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। और इसमें जो लास्ट वाली लाइन है ना, वो एक ओपिनियन अपने एक्सपर्ट का बताते हुए लिखते हैं ग्लोबल टाइम्स वाले कि इफ इंडिया टेक्स साइड्स, यानी ये जो ग्लोबल गेम चल रही है इसके अंदर अगर इंडिया साइड लेता है, इट विल पोज अ ह्यूज चैलेंज टू इट्स पोजिशन इन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रिलेशंस विद चाइना एंड रशिया। एक कहावत है ना, थोड़ा कहा और ज़्यादा समझा, ये असल में थोड़ा कहा जा रहा है और ज़्यादा इंडिया को कहा जा रहा है, ज़्यादा समझें। अगर आप उधर चले जाएंगे, खिसक जाएंगे, फिर तो यानी आप यूँ समझे कि रेड लाइन ही आप क्रॉस कर जाएंगे ना, तो फिर आपका क्या काम होगा SCO जैसे फोरम्स के अंदर और बाकी जो फोरम्स रशिया चाइना डोमिनेटेड फोरम्स है उसके अंदर आपका क्या काम होगा। ये एक मैसेज दिया गया इंडिया को यहाँ पर, और ये वैसे इंडिया में सोचना चाहिए जो भी एक्साइटेड हैं बहुत सारे लोग बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले कि हमें हर हाल में नेटो में जाना चाहिए, और बहुत सारे तो ये भी कह रहे हैं कि इससे हमें इलेक्शंस में फ़ायदा पहुँचेगा, अगर हम जाते हैं ना तो हम कहेंगे ये देखिए चाइना को सबक सिखाने के लिए हमने ये कर रहे हैं। लेकिन मैंने कल भी कहा था इसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया रशिया टाइज के ऊपर, बिकॉज रशियंस लिटरली नफरत करते हैं नेटो के साथ और रशियंस नेटो का नाम भी नहीं सुनना चाहते, वो कहते हैं ये तो वो अलायंस है जो कि हमारे खिलाफ बनाया गया था। अच्छा, वैसे इंटरेस्टिंग बात है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरह से इंडिया के अंदर जो भी रिजीम 2014 से आई हुई है, एक तरफ से वो इंडियननेस जो होती है ना, इंडियननेस यानी इंडियन संस्कृति, इंडियन कल्चर, और उसको जो है वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये यही नहीं कर रहे, इससे पहले वाले कांग्रेस वाले भी ऐसे ही थे। इंदिरा गांधी से बड़ा नेशनलिस्ट मैंने आज तक नहीं देखा इंडिया की हिस्ट्री के अंदर, जो भी गांधी साहब के बाद और नेहरू साहब के बाद लोग हैं, बहुत कट्टर किस्म की इंडियन नेशनलिस्ट हुआ करती थी और बड़ी सेंसिटिव हुआ करती थी, इस रीजन के अंदर किसी और फोर्स को आने नहीं देती थी, वो चाहती थी इंडिया के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस के ये सारे मुल्क हैं,
साउथ एशिया में, तो यहाँ इंडिया होना चाहिए। किसी और मुल्क को अगर हमारे इत्तेहादी को यहाँ पर कोई मतलब ऑब्जेक्टिव्स अगर उनके हों तो वो भी हमारे ज़रिए पूरे होने चाहिए, हम हों बीच में। तो इतनी ज़्यादा उनकी पॉलिसीज़ जो थी सेंसिटिव हुआ करती थी। अगर आप खुल के इंडो पैसिफिक में जा रहे हैं, क्वाड में जा रहे हैं और इस तरह के नेटो प्लस में जाएंगे ना, तो असल में आप अपनी इन्फ्लुएंस को गिव अप कर रहे हैं, आप दूसरों को मौका दे रहे हैं इस रीजन के अंदर आने का, वेस्टर्न फोर्सेस को मौका दे रहे हैं। इस पे ग्लोबल टाइम्स ने भी वैसे एक ओपिनियन लगाया एक दो रोज पहले कि वी मॉरली इमोशनली सपोर्ट इंडियाज डीकोलोनाइजेशन। ग्लोबल टाइम्स का एडिटोरियल बड़ा अच्छा एडिटोरियल, ये पढ़ने लायक है। वो कहते हैं ये जो इंडियननेस, इंडियन वैल्यूज़ को प्रमोट किया जा रहा है ये अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं वेस्ट से इंडिया को खुद को डिस्टेंस रखना चाहिए। वेस्ट अगर यहाँ पर आ गया ना तो आप वेस्टर्न एक तरह से छोटू बन जाएंगे और ये फिर आपकी खुद की जो एम्बिशंस है ना रीजन के हवाले से उसके लिए भी अच्छी बात नहीं है। अब चाइनीज एक्सपर्ट्स तो मानते हैं कि इंडिया जो है नियर फ्यूचर में नेटो प्लस में नहीं जाएगा। ये चाइनीज एक्सपर्ट्स का आजकल वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि नियर फ्यूचर में नहीं जाएगा, आगे जा भी सकता है, उसको रूल आउट नहीं कर रहे, लेकिन कहते हैं कि नियर फ्यूचर में नहीं जाएगा। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन इससे डिफरेंट है थोड़ा सा। मैं समझता हूँ चाइनीज़ जो एक्सपर्ट्स हैं वो थोड़ा सा इधर मोदी को मिसरीड कर रहे हैं। वैसे वो अच्छे तरीके से मोदी को रीड कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर मिसरीड कर रहे हैं। इसकी वजह ये है, अगर आप देखें 2019 में जनवरी के अंदर भी अगर हम देखते हैं ना, तो किसी को ये आइडिया नहीं था कि आगे चलकर उसी साल मोदी कश्मीर और लद्दाख का स्पेशल स्टेटस रिमूव करेगा, पता नहीं था, सडनली हो गया। आपको याद होगा अफरा तफरी क्रिएट की गई थी ये कदम उठाने से थोड़ा पहले, गैर मुल्की जो जर्नलिस्ट थे और गैर मुल्की जो VIPs थे उनको कश्मीर से निकाला गया था, एडिशनल फोर्सेस डिप्लॉय की गई थी, सबको पता था कुछ बड़ा होने जा रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कि क्या बड़ा होने जा रहा है। सस्पेंस क्रिएट करके मोदी ने ये कांड कर दिया था, तो अचानक से उसने ये बड़ा पॉलिसी डिसीजन ले लिया और उसको पता था हालांकि कि इससे चाइना के और इंडिया के और पाकिस्तान इंडिया के टाइज बहुत ख़राब हो जाएंगे, मोदी को पता था, लेकिन उसके बावजूद उसने ये हरकत कर दी। उसके कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया आज तक भुगत रहा है वो अलग बात है, लेकिन उसने स्टेप ले लिया कम से कम। फिर अगर आप देखते हैं तो मोदी को पता था कि ये जो बालाकोट के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो कर रहा है आगे चल के पकड़ा जाएगा, ही न्यू अबाउट इट, लेकिन उसके बावजूद भी ही वेंट अहेड विद द प्लान और इंडियन एयरफोर्स को उसने यूज़ किया और वो जो बालाकोट वाला फेक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उन्होंने किया उस पर इलेक्शन कैंपेन बिल्ड की और इलेक्शन जीत गए। हालांकि बहुत सारे लोग इसको खारिजुल इम्कान करार दे रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, मैं बहुत सारे लोगों के वहम गुमान में भी नहीं था ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ड्रामा भी हो सकता है, बहुत सारे लोग इसको स्क्रैप कर रहे थे। तो मोदी की अगर आप मैंटेलिटी देखें तो इसको जो चीज़ पॉलिटिकली फ़ायदा देती है ना इसकी पार्टी को या इसको खुद को पॉलिटिकली कोई चीज़ मतलब फ़ायदा देती है तो ये कर देता है, ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस बाद में सोचता है, इस तरह की कुछ इनकी थिंकिंग जहाँ तक मैंने इनको रीड किया, ये बाद में सोचते हैं पहले कर देते हैं। इसी तरह नोटबंदी के अंदर आप देखिए इनका जो फैसला था, रात के 12 बजे अचानक से आके कहते हैं आज से ये नोट बंद है, कल से आप चेंज करवा लें। अब इनको ये पता नहीं था कि ये कोई 130-135 करोड़ लोगों का मुल्क है भाई, कितनी बैंक से इंडिया के अंदर, कदम कदम पे तो बैंक नहीं है ना, मतलब अगर आप देखें हजारों लोगों को एक बैंक सर्व कर रहा होता है, इतनी इंडिया के अंदर जो भी नेटवर्क्स हैं बैंकिंग नेटवर्क, हजारों लोगों पे एक बैंक है, तो हजारों लोग जब भीड़ लग गई बाहर खड़े हो गए तो ये इनको कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा ही नहीं था। लेकिन चूंकि पॉलिटिकली इनको वो डिसीशन फेवर कर रहा था, इन्होंने कहा कश्मीर के अंदर जो भी मूवमेंट चल रही है उसमें फेक नोट यूज हो रहे हैं और ब्लैक मनी पकड़ेंगे, तो पॉलिटिकली वाह वाह हो गई इनकी, तो इन्होंने ये कांड कर दिया। वो अलग बात है कि इंडियन जो पब्लिक थी बेचारों की चीखें निकल गई कि ये क्या है भाई, दुनिया भर में नोटों की डिज़ाइन चेंज होती है, नोट चेंज होते रहते हैं, लेकिन इस तरह का मसला तो कहीं नहीं होता। सफिशिएंट टाइम देती हैं स्टेट बैंक्स जो होती हैं मुल्कों की कि इतने महीने हैं आपके पास, आराम से जाकर चेंज करवाइए, इन्होंने भगदड़ मचवा दी थी। तो इनके माइंड को अगर आप रीड करें ना तो ये हर तरह का अनएक्सपेक्टेड डिसीशन ले लेते हैं, जब तक इनको लगता है ये मुझे पॉलिटिकली बेनिफिट देगा तो ये ले लेते हैं, ये परवाह नहीं करते कॉन्सिक्वेंसेस की। तो यहाँ पर भी नेटो प्लस में वो रशिया इंडिया टाइज का ख्याल नहीं रखेंगे कि नेटो प्लस में जाऊँगा तो रशियंस नाराज़ हो जाएंगी, ये नहीं सोचेंगे। अगर इनको लगेगा कि यहाँ मुझे मेरा जो वोट बैंक है हिंदुत्व का वो खुश होगा तो ये डिसीजन ले भी लेंगे, क्योंकि जब इन्होंने चाइना इंडिया टाइज का नहीं सोचा आर्टिकल 370 रिमूव करते वक्त, तो ये रशिया और इंडिया टाइज का क्यों सोचेंगे।
तो मेरा यहाँ पर जो नैरेटिव है वो चाइनीज़ जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट है। मैं समझता हूँ मोदी नियर फ्यूचर में जा भी सकते हैं नेटो प्लस के अंदर, अगर उसको ये चीज़ पॉलिटिकली फ़ायदा पहुँचाती है तो।